नदियों के बढ़ते जलस्तर से जिले में अब तक 80 गांव प्रभावित हो चुके हैं, जिसमें 21 गांव मैरून की श्रेणी में शामिल हो चुके हैं। जिला प्रशासन द्वारा बाढ़ प्रभावित सभी 80 गांवों में आवागमन के लिए नावें लगा दी गई हैं। वहीं जनपद में कुल 144 नावें लगाई जा रही हैं। वहीं जिलाधिकारी के निर्देशानुसार बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत सामग्री का वितरण भी किया जा रहा है, साथ ही पशुओं के चारे की व्यवस्था कराई गई है। इस संबंध में आपदा विशेषज्ञ गौतम गुप्ता ने बताया कि गोरखपुर में NDRF की 2 यूनिट, SDRF की 1 यूनिट और PAC 26वीं वाहिनी बाढ़ दल की 1 प्लाटून तैनात की गई है, जिनसे हम लोगों द्वारा लगातार समन्वय स्थापित कर किसी भी आपदा से निपटने के लिए नजर बनाए हुए हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए आपदा विशेषज्ञ गौतम गुप्ता ने बताया। देखिए, समय वर्तमान में जनपद के कुल 80 ग्राम नदी के जलस्तर बढ़ने के कारण प्रभावित है, जिसमें से 21 ग्राम ऐसे हैं जहाँ पे पानी ज़्यादा लग गया है और जिन्हें हम मैरून की श्रेणी में रख रहे हैं। इन ग्रामों में हम लोगों ने एहतियातन समस्त 80 ग्रामों में आवागमन हेतु हम लोगों ने नावें लगा रखी हैं। इस समय जनपद में टोटल 144 नावें चल रही हैं और अभी जिलाधिकारी महोदय के निर्देशानुसार अयोध्या डिस्ट्रिक्ट से भी हम लोगों ने 30 नावें मंगाई हैं, जिसमें से 10 नावें तहसील सदर में, 10 नावें सजनवा में, 6 नावें हम लोगों ने खजनी तहसील में दी हैं और 4 नावें हम लोगों ने बांसगांव तहसील में दी हैं, तो जहाँ पर हमें नावों की आवश्यकता थी। तो यहाँ पर अभी समय नावों की व्यवस्था करा दी गई है और जिलाधिकारी महोदय के ही निर्देशानुसार अभी हम लोगों ने राहत किट भी बांटना प्रारंभ कर दिया है। राहत खाद्य सामग्री, जिसमें 14 प्रकार के संसाधन हैं प्लस 3 और मटेरियल हैं उसमें, तो ये खाद्यान्न वितरण का भी कार्यक्रम हम लोगों के क्षेत्रों में चल रहा है। पशुओं के लिए चारा की व्यवस्था कर दी गई है और अभी तहसील सदर और सजनवा के कुछ क्षेत्रों में जहाँ चारे की समस्या थी, वहाँ पर चारा वितरण का भी कार्य किया गया है। इस समय स्थिति यही है गोरखपुर की। अभी इस समय वर्तमान में देखिए, गोरखपुर में NDRF की 2 यूनिट, SDRF की 1 यूनिट और PSC 26वीं वाहिनी जो बाढ़ दल है उसकी 1 प्लाटून गोरखपुर में पहले से तैनात है और इन लोगों से आवश्यक समन्वय स्थापित कर लिया गया है और निरंतर इनके साथ हम लोग संपर्क में बने हुए हैं। अभी तक कोई गांव ऐसा है कि जिसपे ज्यादा खतरा बना हुआ है? नहीं, अभी वर्तमान में जो सिंचाई विभाग द्वारा प्राप्त रिपोर्ट है उनके रिपोर्ट के अनुसार अभी सभी तटबंध सुरक्षित हैं और लगातार राजस्व, पुलिस और सिंचाई विभाग की संयुक्त टीमें निरीक्षण कर रही हैं। वर्तमान में अभी सभी तटबंध सुरक्षित हैं। जो गाँव के लोग पानी से घिरे हुए हैं, क्या उनके लिए कोई संदेश देना चाहेंगे?
देखिए इस समय वर्षा काल है और इस समय सबसे ज़्यादा जो भयावह स्थिति होती है वो सर्पदंश की होती है। तो मैं अपने गोरखपुर जनपद वासियों से निवेदन करूँगा और ख़ासतौर से जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में इस समय निवास कर रहे हैं कि वे नंगे पांव न रहें और हमेशा चप्पल या जूता पहने रहें, क्योंकि सर्पदंश की घटनाएं इस समय बहुत होती हैं। यदि कहीं कोई सर्पदंश की घटना होती है तो लोकल झाड़ फूंक में ना फंसें, तुरंत उसको नज़दीकी पीएससी सीएससी पे ले जाएं और वहां पे इस समय गोरखपुर के समस्त पीएससी सीएससी पे हम लोगों ने एंटी स्नेक वेनम की व्यवस्था करा रखी है, तो ताकि उनका तात्कालिक रूप से उनका इलाज हो सके। और जो सबसे एक महत्वपूर्ण विषय ये है कि इस समय बच्चे जो होते हैं वो नहीं मानते हैं और वे बच्चे प्रायः आपके क्या कहते हैं नदियों के पानी में खेलने पहुंच जाते हैं। तो नदियों के पानी में जब वो खेलने पहुंच जाते हैं या नहाने पहुंच जाते हैं तो कभी कभार उनके डूब जाने के कारण वो लापता हो जाते हैं या उनकी मृत्यु हो जाती है। तो इस समय थोड़ा सा मैं जो अभिभावक हैं उनसे निवेदन करूँगा कि वो बच्चों पर ध्यान दें और बच्चों को पानी वगैरह में खेलने के लिए ना भेजें, और थोड़ी स्थिति सुधर जाने के पश्चात जब संक्रमण की भी इस समय आप सभी देख रहे हैं कि कोरोना संक्रमण भी काफ़ी फैला हुआ है, तो इसलिए भी सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें, मास्क का प्रयोग करें और समय समय पर हाथ साबुन से धोते रहें और अपने आप को सुरक्षित रखें। किसी भी इमरजेंसी के समय अगर कोई सूचना देना चाहे तो उसके लिए भी कोई टोल फ्री नंबर जारी किया गया? हाँ, आप 1077 आप अपने मोबाइल से 0551 1077 करके डायल करेंगे तो ये गोरखपुर का टोल फ्री नंबर है जिसपे आप डायरेक्ट अपनी सूचना दर्ज कर सकते हैं, और लैंडलाइन नंबर भी है 2201796, इसमें भी आप कोड आगे लगा लेंगे 0551 220 1796। ये कंट्रोल रूम लगातार सक्रिय है और यहाँ पे 24x7 कर्मचारी लगे हुए हैं, और कहीं भी किसी प्रकार की कोई अगर समस्या हो तो इन नंबर्स पे आप नोट करा सकते हैं।